नहीं आएगी तो फिर क्या चलिए, तो एक तरफा बात चली जा रही जो मन में आता कहते हैं, बाकी सामने से कोई पूछने का हक नहीं रखता। तो इस तरह से तो चीजें होती नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो हिम्मत है, आप लोगों का जो प्यार है, वो इस तरह से फैला है ना पूरे देश में, हर शहर में एक नहीं तो बसों शाहीन बाग खुल गए। जगह जगह से मिला देख के मैं तय करके आया, मैं यहाँ पे आना चाहता था कि मैं यहाँ आके बैठ के बिरयानी खाऊंगा, उंगलियां चाट के बहुत हिम्मत मिलती है। मैं भी हमारी दादी जिन्होंने ऑफर किया था मोदी जी को, मैं दादी से मिलना चाहता हूँ, दादी जी से मिलना चाहता हूँ, दादी को दादी को दादी को। और कुछ नहीं, आप एक बात पर ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी अपनी आवाज शायद मिली नहीं है, बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। बहुत सारे लोग आपके साथ है, जिस तबके से मैं आता हूँ, जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, आपके साथ भरपूर मात्रा में लोग हैं। आप लोग अकेले बिल्कुल नहीं है, और बहुत समय के बाद मतलब 3-4 महीना पहले जब मैं छोड़ के गया था, मुझे लगता था कि हम लोग कहीं अंदर जो है ना मरते जा रहे हैं। हम लोग भी शांत हो गए, हम लोग जो भी है शहर में चुपचाप चले जा रहे हैं, अभी लगता है जिंदा है, अभी सबको देख के लगता है कि जिंदा। हम लोग हमने अपने आप को ढूंढ लिया है, हमने अपनी आवाज़ ढूंढ ली है और हम वापस खड़े हो गए, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मीडिया दिखा रहा है कि वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, तो आप एक बार अपने उससे बोल दीजिए कि खुशी मिली गम में हमने। कहा जा रहा है भाई, भाई साहब हेलो हेलो हेलो, हाथी मोबाइल दे दे मुझे। अबे विजुअल है फिलहाल, बाइक क्या है यार, नीचे करो कैमरे, कैमरा नीचे कर लो, दादी की तस्वीर है यार, साइड आ जाओ, विजुअल के लिए मैंने करवाए। यार ये तार तोड़ोगे क्या भाई, पीछे को जो थोड़ा थोड़ा, मैं मीडिया से हूँ यार, ना कर रहा मैं, जिस मीडिया हुए ज्यादा नहीं आवाज। दादी कौन है? दादी है जो शाहीन बाग की फेमस दादी, शाहीन बाग की दादी है ना, दादा आ गए, दादी आ गई। दादी दादी जब भी मत मिलती ना, दादी मैंने जिंदगी देखी है, तो उनको उनको तो क्या कुछ क्या ही डरा हुए, दादी ने दुनिया देखी है, उनको कुछ क्या ही डरा हुए। अगर वो बात करते हैं जो आपके अंदर जो है, आप जो है जब बात रिस्पेक्ट की होती है, बात जो है इज्जत देने की रिस्पेक्ट की होती है, और कई बार मेरे ट्वीट पे लोग बोलते हैं कि आप जो है गृह मंत्री को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा वजह कहना है कि जब आपके लिए रिस्पेक्ट बची नहीं तो मैं कहां से करूँ, देशवासियों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो दादियां हैं, आइए रिस्पेक्ट दीजिए, आप बात करिए, आप कौन से रिस्पेक्ट मिलेगी।
बहुत जल्दी बनाते हो, रिस्पेक्ट देने चाहती है, और जिसके लिए रिस्पेक्ट नहीं मिले ट्वीट उसके लिए रिस्पेक्ट निकल ही नहीं सकता, मैं खुद को बनावटी बन नहीं सकता। आपका कहना है कि शांति से वो शांति की भाषा उन्हें समझ नहीं आती, तो रास्ता क्या है? नहीं, वो एक गुंडों गुंडे वाली भाषा उन्होंने भी सिखाई है सबको। आज हर आदमी एक भाषा बोल रहा है, जो आदमी को अपनी स्पीच में बोलते हैं कि स्पीच से गर्म मारो जो हाल लगे, ले 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 माइक ब्रो। हेलो सर, सर शाहीन बाग के बारे में, सर 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 मैं पहले बात करूँगा, बात करेगा हमारा, बात कीजिए, बात करेगा हमारा, सर सर हेलो दोस्तों, जा दो मिनट बोलना भाई, माइक तो नीचे कर लो थोड़ा सा हल्का सा, ये मैं तो सबसे ऊपर कर लूंगा। बात है कि उबैद डेलीगेशन दीजिए, मैं बताऊंगा क्या कानून है, आपको मालूम है आप क्या कानून की बात कर रहे हैं। आप आपने तो पहले बोला क्रोनोलॉजी समझिए, फिर आपने बोला ऐसा कुछ है नहीं, फिर आप कुछ और बोलते हैं, आपको खुद क्लियर नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। तो मेरी सही बात है कि आपको अगर मुझसे बात करनी है, आप होम मिनिस्टर हैं, इतने शांत के लोग बैठे, आप बड़ी दोस्त कर रहे हो, बात करो, हम अपनी सिक्योरिटी नहीं है, अब यहाँ के बात करिए, अब यहाँ के बात करिए, और जब तक सारे सवाल नहीं खत्म हो जाते बैठे, हर सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं होती थी, वो एक तरफा नहीं होती, वहाँ पर भी वो क्या करेंगे, बोलेंगे तुम चुप बोलो और उनका मोनोलॉग चालू हो जाएगा, रखा रखा है वो मोनोलॉग में, हमें जो साथ नहीं रखते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, हमें मालूम मोनोलॉग तक लिखा जाता है, एक्टर को वर्ड दिलाने के लिए। आसिफ अभी शाला शाहीन बाग के बारे में बोला था कि बटन ऐसा दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। आप यूपी सरकार ने ऐसा एक ट्वीट किया गया था वहाँ के मीडिया एडवाइजर की तरफ से कि आपने वहाँ अप्लाई किया था सब्सिडी के लिए, नहीं मिली इसलिए आप आक्रोशित हो गए, और इस तरह तो बहुत सीधी सी बात है, एक सरकार की स्टेट पॉलिसी है, पर सामने बनती है तो उस फिल्म के लिए एक सब्सिडी मिलती है, और वही सरकार है जो खुद हमको इन्वाइट करती है, हम नहीं जाते उनके पास, वो इन्वाइट करते, सरकार नहीं करती, वो पॉलिसी इन्वाइट करती है, उस पॉलिसी ने मेरे को चेहरा बनाया था, तो यही सरकार है जिसने वही सांड के आपको एक्सप्रे किया था, जब मैंने बोलना चालू किया तो हो गया कि, और उसका जो बेनिफिट मुझे नहीं मिलता फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलता है, क्योंकि फिल्म मेरे नाम पे है, उस एक फिल्म का प्रोड्यूसर रिलायंस है, नुकसान होता हुआ जो वो सब्सिडी नहीं देता, ठीक है, उनको उनको बिल मार रहे मेरे नाम पे ताकि वो उनको लगता है वो मुझे डिस्क्रेडिट कर सके, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सजेशन देने वाले वकील हैं, सजेशन देने वाले बहुत सारे सजा वकील लड़ने जो हैं जिनके साथ बैठेंगे, उनको सबसे करीब आदमी ढूंढना जरूरी है ना, अगर आपको कानून बनाना है तो कानून ऐसे नहीं बनता कि मैंने तय करना के बन गया, जो लोग समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, जो संविधान समझते हैं, जो राइट समझते हैं, उन वकीलों के साथ बैठेंगे आप, सब हर चीज के साथ कानून बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा, वो कानून सिंगल आउट नहीं कर सकता, बात होती है जनगणना हर 10 साल में होती है, सब कुछ होता है, वो सब सही है, और पहले आप जो है इस देश में क्या करना चाहते हैं, इस देश में इस हद तक करप्शन है, एक और ताकत देने का आदमी को तुम्हारा बस, मैं जब सेंसर बोर्ड में पैदाने लाली से लड़ता था वो ऐसे दिखाते थे उनका पंजाब का सर्टिफिकेट, ये है लेकिन नहीं दूंगा, वैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट तो दिखाएगा लेकिन नहीं दूंगा, अरे कुछ भी आदमी आप एक गलत ताकत जो है दसियों लोगों के हाथ में दे रहे हैं, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है तो इंटेंशन नीचे तक क्लियर नहीं होगा। अनुराग यहाँ पर एक बात है, ये जो रोड है
ये जो रोड है दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है, जिसको लेकर के बहुत राजनीति हुई है, और ये बोला जाता है कि रोड को रोकने के कारण जो है यहाँ के जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। आपको क्या लगता है, क्या रोड को रोक करके क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे चाहे कुछ भी बोलूँ चाहे कोई भी कुछ भी बोले, अक्सर क्या होता है कि बाहर हो जाता है जो नरेटिव ये बनाते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का हक हम सबका है और हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर इतनी जगह मैंने आते हुए देखी है कि आराम से होल्ड करके आना जाना जो है हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, 63 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, अनुराग कश्यप को यहाँ आने में 63 दिन क्यों लगे? मैं 63 दिन इसलिए लगे मुझे यहाँ पे आने में, क्योंकि पहले एक तो मैं यहाँ पे काम कर रहा था, दूसरा मेरे आसपास के लोग मुझसे ज्यादा डरे हुए थे कि तुम जाओगे तो तुम्हें मार देंगे। बहुत पहले भी जब आना चाह रहा था कि से बात हो रही थी, सब लोग बोले तो मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक पॉइंट पे हो गया, मैंने कहा चलो यार आप कुछ हो तो जा सकते ना, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा जानने के लिए लोग क्या कह रहे हैं। तो
के हर चीज में तो इतनी गलतियां निकलती है, बदलते हैं कि आस पास के मिनिस्टर भी जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, वही सब गलत है। बजट भरा जाता है, बजट में डेटा करेक्ट करते हैं। आपको ये लगता है कि अच्छे में मोदी आना चाहिए? इसी भर से कहा गया कि मोदी जी वी लव यू, आपका स्वागत इस तरीके से होता है। किसी ने जितना प्यार दिया पिछले चुनाव में उनको दिखता है, लेकिन वो प्यार वापस भी तो करना पड़ता है ना। आपको क्या इतना प्यार है, आपके इतनी सिक्योरिटी, आप किससे डर रहे हैं? आप आगे बैठ के बात कर रहे हो, बात कर रहे थे। उनका कहना सिर्फ ये है कि कानून सड़क पे नहीं बन सकता। कानून तो आपने बना लिया अपने घर में, कानून संसद में बनता है या कानून जो है पॉलिसी मेकर से बनता है। आपको तय करके हमारे गले नीचे उतार रहे हो। So you feel HM or anybody should come here and नहीं उन्होंने जब डिनर पे बुलाए थे लोग नहीं गए, क्योंकि पिछली बार जब गए थे तो उनको रिलाइज हुआ उनको सबको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था। अनुराग जी पहली बार डिनर पे कोई नहीं गया। हेलो आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं जो पहले गए थे सब नहीं। अनुराग जी होम मिनिस्टर ने अनुराग होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में बोला है दिल्ली इलेक्शन के बाद कि हमारे मिनिस्टर्स का जो बयान था गोली मारो वाला या बिरयानी को लेकर या भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, वो उस बयान की वजह से हम हारे हैं और हमें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। क्या 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 आप क्या आप नहीं नहीं सवाल पूरा नहीं हुआ। नहीं जिन लोगों ने बयान दिया था वो अभी भी मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, क्या आप ये डिमांड करते हैं कि उनका रिजिग्नेशन होना चाहिए अनुराग ठाकुर समेत सबका? वायरलेस मैन्युफैक्चर करके जाने में अटैक करके जेल में वायरलेस होता बाहर गए। जब आप जो है गार्गी में जिन्होंने जो वायरलेस को 40 घंटे के अंदर बेल दे देते हो और डॉक्टर जब भी कोर्ट में बेल में मुक्त जब भी आपको छोड़ा नहीं, 3 दिन बाद जब लोगों ने सवाल किया तो आपने उसको एनएसए डाल दिया और अंदर कर दिया। तो आप अपना कानून जो है अपने खुद के सेल्फिश कारणों के लिए अपने खुद को सपोर्ट किया, आप अपने आप को बचाने के लिए और डिसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप कानून को कानून क्यों रहने दे रहे हो? दादागिरी हो रही है। तो ऐसे समय में जब आप बोल रहे हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए, उनको क्या पता नहीं? उनको सब पता है, उनको अगर एहसास होता कि क्या गलत है तो पहले वो खुद रेजिग्नेशन देंगे। तो ऐसा होता है, ये लोग इस तरह की सरकार नहीं है, ये बहुत ही जिद्दी स्टबर्न सरकार है। सबसे डिफिकल्ट चीज ये है कि बहुत ही अनएजुकेटेड सरकार है। देखिए मैं इंडस्ट्री में बहुत लोग वोकल हैं और बहुत लोग साइलेंट हैं, और साइलेंस का मतलब अगेंस्ट नहीं होता, पर बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, हम उनके जूते में नहीं हो। ला माइक दे दो भाई। देखिए जिसका जब मन करेगा बोलेगा, सबकी 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 सीमा जो है धीरे धीरे जो है टूट रही है, आगे जाने जाएंगे। कौन समर्थन बहुत लोग हैं, पूरे इस मात्रा में कौन समर्थन है? भाई रुक जाओ, यहाँ पे मैं इंटरव्यू से बात पूछना चाहता हूँ। आपने ये जो कहा ना कि आपको मार दिया जाएगा, तो बहुत सारे लोग कदम में आ रहे थे, क्योंकि इस कदम में बिरयानी और इतना ज्यादा प्यार मिलता है लोगों को, एक सेकंड लोगों को डर लगता है कि हम यहाँ इनके शायद प्यार को जोड़ के लौट नहीं पाए थे, इसलिए लोग बहुत के मारे नहीं आ रहे थे। हमारे प्यारों में वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल प्यार से कर लेते हैं। टाइप भी करना ना
हमारे जितने लोग जो शहीद हुए हैं उसके ऊपर आज भी क्लैरिटी नहीं है, सवालों के जवाब आज भी नहीं है, उनके परिवार वालों को आज भी उन्हें नहीं मिला है। एक भी सवाल का उसका जवाब नहीं मिला, एक डायरेक्टर पता है जिसमें हमें नहीं मालूम क्या सच है कितना सच है, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं करता, सिर्फ एक बोल दिया जाता है और लोगों को मानना पड़ता है। तो ये सवाल तो रहेगा जब तक इसके जवाब नहीं मिल जाएंगे। सर सब चीज कि ये आज हो सके, ये बहुत क्यों बंदे जिले के हो रहे हैं, क्यों नहीं गए, बहुत दूर पर है, बहुत मुश्किल हो रहा है, जितनी भी आवाज है। जब इंटेल था सरकार के पास तो उन्होंने उस पर एक्ट क्यों नहीं किया, बहुत सारे सवाल है, सारे सवाल आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। मतलब जो भी आदमी आवाज उठाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, अपना करना चाहता है, एक ऑफिसर ने क्रिटिसाइज किया कल निकाल दिया। अनुराग का सब शाहीन बाग आया है, रिपोर्ट कर रहे हैं लोगों से, मीडिया का शाहीन बाग है। Thank you so much.